मामा जी कैसे हैं? क्या बात है जी, तू ही तो भोजपुरी बड़ी बढ़िया बोल दे। पर ऐवे नहीं जने खने मामा कह ही जाता। अरे नहीं, ये हमारे मामा जी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूँ सुनील। और दोस्तों, आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो है एक पंजाबी मूवी का ट्रेलर, और इसका नाम है तारा मीरा, और इसमें रंजीत बाबा जी हैं। तो आइए देखते हैं इस ट्रेलर को। हिटलर ना तो सुनया होना, जिन्हें अपनी तानाशाही ना पूरे जर्मन च कब्जा लेना सी। हुण एक ना होर सुनो, सुलखण सिंह, जिन्हों अपनी तानाशाही नाल पंजाब चो बइए भजा के पूरे पंजाब च कब्जा लेना है। जे पंजाब नु नशे दा बचाउणा है तां भइयां नु बाहर भजाउणा पएगा। भइया ओए चटां दे कर लगाई लो लिपस्टिक तेरी है की ते। सोनी सनखी उची लम्मी घैंट निगर जटी ते पाजी उतो पढ़ी लिखी बड़ी है। ते पढ़ी लिखी कुड़ी दी मत वजी तेरे नाल व्याह कराएगी। 9888-1212 फोन करना ना बोलियो। भोजपुरी बड़ी वधिया बोलदे। पर ऐवे नहीं जने खने नूं मामा कहि जांदा। अरे नहीं, ई हमारे मामा जी है। जिहड़ी तूं करतूत कीती ना तेरे बापू ने गोली तां तैनूं मार ही देणी। तुसीं अपने पापा जी से टैंपरेरी जट बनने वास्ते बात करो ना। हमें जितना प्यार करते हैं तारा सिंह भी हमें उतना ही प्यार करता है। अरे तुमको करते हैं, हम भैया को थोड़ी करते हैं। प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। जट बनने का एटीट्यूड अलग होता है ना जी। और वैसे भी भैया जी के लिए जट बनना बहुत ही औखा के नहीं। हम कौन से स्टाइल का पग बांधे? तुम उसे छत्र मत खा लेना, जब फैमिली बोल रही है तुम बीच में क्यों पौंक रहे हो भाई? हम लड़की का मामा हूँ। हम मामा पालश करा लो, तुम्हारी फैमिली में रलता नहीं है। सॉरी यार, मीरा की फैमिली ना थोड़ा होर टाइम देना चाहिए। भावे इन्हों ना 24 घंटे थां 24 साल दे दे, भैया ने इन्हें की जट बनना। पारी पारसी खादियां खाद के लिया तीली तीली पकड़ना ता सही था जब भैया मान जी पतीली। ओए बोली है हाय 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 हाय। ਭਈਆਂ ਨੇ ਕੱਚ ਕਰਨਾ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤਾਂ? ਦੁਖੀ ਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਓ ਢਿੱਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੋ ਮਾਰੇ। ਓਏ ਓਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਸੋਫੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਦਾਮਾਦ ਨਿਕਲੇ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ 8 ਬੈੱਡ ਨੇ ਜੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ 8-10 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਣੇ, ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਭਾਜੀ, ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਰਾ ਆ, ਇਹ ਮੀਰਾ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਆ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। 11 ਅਕਤੂਬਰ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਯੂਪੀ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਹੈ ਤੋ ਬੰਦਾ ਬੋਲਤਾ ਉਨਕੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ। ਔਰ ਕਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਯੇ ਵੈਸੇ। ਜੈਸੇ ਬਾਤ ਆਈ ਥੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੇਂ ਹਿਟਲਰ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜੈਸੇ ਜਰਮਨੀ ਪੇ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁਆ ਥਾ। तो वैसे ही वो कहते हैं कि अगर मुझे पंजाब पे कब्जा करना है तो सबसे पहले इन भैयन को बाहर निकालो। ये भैये बाहर निकलेंगे तभी काम बनेगा। तो जो भी है यूपी बिहार से वो नेगेटिव वे में ना ले, क्योंकि ये कॉमेडी मूवी है, थोड़ा सा कॉमेडी वाला पार्ट है, इन्होंने डिफरेंट वे में लिया है। और उसके बाद मेन चीज क्या थी कि जो इनके बेटे, जिनका पुत्र है तारा, तो उसको प्यार हो जाता है कि हाँ भाई ढिल्लो के उसमें रहती है भाई, ये नहीं पता कि वो किराएदार पे रहती है कहाँ रहती है। तो वो जाते हैं, एंट्री करती है, फिर वो जब वो रेडी पे खड़ा होता है उसे कहती है ये हमारे मामा जी हैं। तब पता लगता भाई ये क्या हो गया, ये तेरा मामा कैसे? अरे यही तो है हमारे मामा जी। वो बेचारा शॉक हो जाता है कि यार मेरा बापू सबको भगाने पे लगा है और ये यहाँ पे मैंने इतना प्यार कर लिया है। कुड़ी बड़ी पढ़ी लिखी है, कुड़ी पढ़ी लिखी तेरे नाल प्यार कराओगी। बहुत ही बढ़िया, मतलब ये कॉमेडी मूवी जाने वाली है। और जैसे कि इसमें दिखाया कि वो जो भैयों वाली फैमिली है उनको पंजाबियों में कैसे मतलब थोड़ा सा टेम्परेरी बनवाते हैं, तो
मतलब फुल ऑन कॉमेडी होगी, फुल ऑन कॉमेडी है। और सबसे बढ़िया सीन यार वो लगा ना, वो आ रहा था करता है, अब तो लगता है सारा पंजाब अपना है। तो भाई बहुत सही मूवी जाने वाली है, बड़ा यानी ये मान लो कॉमेडी से भरपूर है मूवी, एक एक लाइन पंच अच्छे अच्छे पंच हैं इसमें, और एक्टिंग बहुत अच्छी कर रखी है। और उसके बाद उनकी बात करें, फिल्म में रोमांटिक सीन भी है, और थोड़ा रोमांटिक है ही क्योंकि वो स्टोरी लव स्टोरी है, और उस पर मतलब दो अलग अलग, एक पंजाबी है एक यूपी वाले हैं, तो थोड़ा सा तो ट्विस्ट रहेगा ही मूवी में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, उस एक कल्चर को चेंज करके अपने कल्चर में लाना और डिफरेंट वे में दिखाना। तो और वो कहता है कि जी आप बैठो सोफे पे ढिल्लो साहब, वो जाके चाहे नीचे, अरे नीचे नहीं सोफे पे बैठो ढिल्लो साहब। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेलर था ये तारा मीरा मूवी का, और हमें तो बहुत बढ़िया लगा ये ट्रेलर। एक चीज समझ में आई मेरे को इसमें कि जब वो आता है ढिल्लो साहब असली वाला रिश्ते की बात करने के लिए, तो जब वो आता है तब पता लगता है कि हाँ वो उसके यहाँ भैया का काम करता है। हाँ। और असली वाला वो था। हाँ। तब जाके वो कहता कि हाँ। आप ऊपर बैठो ढिल्लो साहब। तो हमें तो बहुत बढ़िया ये ट्रेलर लगा, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दो जिससे कि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले, और वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, और हमारे चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं वो भी आप जरूर देखें, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।